हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई इंडिया से मतलब पाकिस्तान से जो भी हिंदू होते हैं ना जो इंडिया जाते हैं तो ये चैनल जो है वो उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो अपलोड करते हैं। तो आज भी एक पूरी की पूरी फैमिली 10-11 मेंबर्स हैं जिसमें तो वो पूरी फैमिली जो है वो इंडिया शिफ्ट हो गई है, मतलब कि इंडिया ने उनको पनाह दे दिया, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि जहाँ पे उनको सेफ फील हो वहां पे ही उनको रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी स्टोरी सुनने वाले हैं कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ और क्यों उन्होंने यहाँ से मतलब वो गए छोड़ के। हालांकि पाकिस्तानियों को ऐसा करना नहीं चाहिए कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका भी घर है, उनका भी ये घर है, लेकिन ये उनको जीने नहीं ना देते इजिली, तो इस वजह से वो हम तो प्रार्थी कैसे वो कहते हैं हम तो ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं को कहता। हाँ, लेकिन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई वो क्या कहते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की। कितनी बार आपकी वीजा खारिज हुई है? सात बार वीजा खारिज हुई है। सच में ये परिवार 13 साल से कोशिश कर रहा था भारत आने की। बाहर जाते हैं ना ऐसे कर लेते हैं, मुँह ढक लेते हैं और घर में रहते हैं ऐसे चुनौती रखते हैं। ठीक है, तो सूट भी अलग होते हैं क्या? खाली खाली फेस रखते हैं? नहीं, सीट भी अलग होते हैं, सूट भी अलग होते हैं, पूरा कवर होते हैं। मतलब मैं तो कहूँगी मेरी बेटियाँ पढ़े लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, और अच्छा सा घर मिल जाए इसको जी, अच्छा सा रहने कुछ मिल जाए। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही चाहिए। आप जबरदस्ती भेज दें वापस तो जाओगे? नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। सोच कर आए हो? नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो मैं खड़ा हूँ ये नया परिवार, दोस्तों नया परिवार अभी कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है 5-7 दिन पहले ही ये पाकिस्तान से भारत आया है। इस परिवार में दोस्तों 11 मेंबर हैं और ये मजनूगढ़ टीला कैंप में अभी आए हैं। ये किसी और की जगह है जहाँ ये बैठे हुए हैं। दोस्तों सबसे हैरत करने वाली बात इस परिवार के साथ ये है कि ये परिवार 13 साल से कोशिश कर रहा था भारत आने की। 13 साल से जैसे भारत कैसे आया जाता है दोस्तों, ये भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। क्यों इनको इतना टाइम लगा ये भी हम इसमें कवर करेंगे। और ये मैं आपको एक चीज़ और नोटिस करवाऊँ, फीमेल ओरिएंटेड फैमिली है दोस्तों, बड़ी बड़ी बच्चियाँ आई हैं। ये इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है ये परिवार पाकिस्तान से क्यों आया है। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि इस परिवार की क्या डिमांड है और इन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मैं चाहता हूँ वीडियो को आप अंत तक देखें दोस्तों, ज़रूरी वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकमेंडेशन में ये वीडियो आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हमारा संगठन दोस्तों हिंदुओं का संगठन है, हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदुओं का मतलब हमारे लिए सिख जैन बुद्धिस्ट और सारे हिंदू है। हम हिंदुओं में जात पात नहीं मानते। संगठन बनाने का दोस्तों उद्देश्य एक ही है कि हिंदू ही आकर हिंदुओं की मदद करें। मैं चाहता हूं दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें, प्लीज स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आइए पहले उनसे पूछते हैं जिनके घर में हम बैठे हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, ताकि हम समझ सकें दोस्तों कि ये फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। भैया सारा देश विदेश का हिंदू समाज आपको देख रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर चांदराम है। चांदराम भाई आप पहले तो खुद बताओ, आप पाकिस्तान से पहले खुद कब आए हो? मैं 2011 में आया। 2011 में आए हो, आपने नागरिकता का फॉर्म भरा? भरा, वेरी गुड। अच्छा पहले अपनी फैमिली से मिला, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं जी। मेरी डॉटर है जी, मेरी डॉटर है। ठीक है, ये जो डॉटर जी वाइफ जी वो सन है। ठीक है, वो भी डॉटर है। ठीक है, 4 बच्ची हैं आपकी, एक बेटा है और आप पति पत्नी यहाँ रहते हैं। ये जो लोग अभी आए हैं ये लोग कौन है? ये मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, इनके परिवार में कौन कौन लोग आए हैं अभी? अभी इनमें कुछ 3 परिवार आए हैं अभी जी, जिसमें 2 की शादी है, 2 परिवार की, और 2 अभी अनमैरिड है। सर 2 मैरिड हैं और 2 अनमैरिड है, उसमें 3 परिवार हैं जी। उसमें उसके साथ मम्मी पापा भी आए हैं, ओल्ड में अभी आ रहे हैं वो, 65 साल के हैं वो जो। अच्छा मेल मेंबर कोई बाहर है अभी के सारे लोग यहीं पर हैं? बाहर गए हैं, किसी तबीयत खराब दवाई के लिए बाहर गए हैं। दवाई के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, ये लोग हिंदी बोल सकते हैं? इनको हिंदी नहीं आती है सर, अभी नए नए आए, अभी इसको टाइम लगेगा। ठीक है, फिर दोस्तों कोशिश करते हैं पहले हम इनसे बात करने की। आप भी आए इनके साथ में? क्या नाम आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद, पाकिस्तान में कहाँ रहते थे प्रेमचंद आप? सिंध में रहते हैं। सिंध में रहते थे, ओके। आपका दीदी क्या नाम है? गंगा। गंगा, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा, बहन आपका क्या नाम है? पार्वती। आपका क्या नाम है दीदी?
सीता। माता जी आपका क्या नाम है? राधिया। राधिया ओके। आपका क्या नाम है? टिकम। टिकम टिकम आपका नाम है। आप अपना घर बेच कर आए हो छोड़ कर आए हो? छोड़ कर आए। सामान वगैरह था घर पे? क्या क्या सामान था? पुराना पुराना था, छोड़ कर आ गए। ऐसे छोड़ कर आ गए? आस पड़ोसी को बोला कि निकल रहे हो? किसी को नहीं बोला? नहीं। बोला पता करके बोला आपने सबको? हाँ। क्या सामान लेकर आये हो? नहीं, बिस्तर भिजा लेकर आई बस। बिस्तर वगैरह लेकर आये हो बस। दीदी ये बताओ, जैसे आपका घर का सामान था वहाँ पर, अपना घर था, उस जमीन वगैरह कुछ बेच कर क्यों नहीं आए आप? ऐसे छोड़ दिया? रिश्तेदार ने दे दिया। रिश्तेदारों को दे दिया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो 13 साल से आप कोशिश कर रहे थे, 13 साल में टीका, आप बताओ कितने पैसे खर्चे हुए आपके? इतना अंदाजा ही नहीं है। आप माता जी आपको बताओ कितने पैसे खर्चे हुए आपके? कमाते हैं, विजया भी करते हैं, विजया भी लगाते लगाते दिन आ गया। इतना है पासपोर्ट, इतना पटका, इतना पक्का निकाल निकाल के सब सब कमाता है, उसमें देता है, कमाता है पोड़ा मुहारा। वीजा नहीं मिल रही थी आपको? वीजा नहीं मिल रही। कितनी बार आपकी वीजा खारिज हुई है? चार पाँच का हमें सात चक्कर। सात बार वीजा खारिज हुई है सच में? नियर बस बस करके ही वीजा लगी। आप स्कूल गए हो? किस क्लास में पढ़े हो आप? 8th क्लास में पढ़े हो। ओके अच्छा ठीक है। आप गए हो स्कूल? नहीं। अच्छा मेरे को अब एक और चीज समझाओ, आप माता जी और समझाओ कि अभी चलो आप वहाँ से निकल के आ गए हो, कोई रह गया आपके परिवार में वहाँ पर जो अभी वहाँ पर है? कौन कौन रह गया? मेरा इसके बच्चे हैं, एक लड़का है। लड़का उसके बच्चे हैं? तीन बेटियाँ हैं। तीन बेटियाँ हैं, एक दिख रहा है मोटा। वो भी कोशिश कर रहा आने की? उसकी वीजा नहीं लगी? नहीं, कौन लगी वीजा? अच्छा वो भी आपके साथ ही कोशिश कर रहे थे? आपके साथ है। उनकी उनकी वीजा नहीं लगी, आप लोगों की लग गई। तो आपसे इतने सारे पैसे, आप क्या काम करते थे वहाँ पर सारे लोग? खेती बाड़ी पोखता। खेती बाड़ी करते थे? आपको आइडिया है आपके घर में कितनी कमाई होती थी? 300 रुपए खेती बाड़ी कर कर रोज से तो खर्चा पूरा हो जाता था? जैसे अभी हम सुनते हैं पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। महंगाई कितनी महंगाई यहाँ पर? बहुत महंगाई। जैसे कुछ आइडिया बताओ, दूध का भाव है, सब्जी का भाव है, क्या रेट है वहाँ का? 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो घी आटा अनाज आपका अपना ही निकलता था? खेत में रहते थे आप लोग? अब मेरे को आप बताओ, ठीक है आप वहाँ से आए हो तो कुछ पैसे वगैरह लेकर आए हो? बस किराए वगैरह पहुँच गए इधर के। यहाँ पहुँचे हो तो क्या करोगे यहाँ पर आकर? आपने क्या सोचा है, क्या काम करोगे यहाँ पे? बस अभी कुछ न कुछ कर लेंगे, अभी घर भी नहीं है, अभी घर का बंदोबस्त करना है। अच्छा घर नहीं आपके पास? कहीं रहने का जुगाड़ करना है आपका? रहने का जुगाड़। फिर काम धंधा क्या खाओगे पियोगे अब कैसे करोगे? खाने के लिए कुछ कारोबार होगा तो दे दोगे अच्छा होगा। अच्छा कुछ दे दे। अच्छा तो कारोबार कुछ करोगे यहाँ पर है? तो आपके मेरे को दीदी आप बताओ, जैसे आपके आपके हस्बैंड कहाँ गए? आप दोनों आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं? काम के तलाश में गए बाहर। काम के तलाश में गए हैं? ओके ठीक है। अच्छा अब 10 दिन हो गए आप लोगों को है? आप भी काम की तलाश कर रहे हो? क्या काम करना चाहते हो आप लोग? मोबाइल कवर दुकान। आप मेरे को ये बताओ, जैसे सब लोगों की वहाँ पर लड़कियों की शादियाँ छोटी उम्र में होती है, आपकी बच्चियों की शादी आपने मायने करी? इसकी शादी नहीं कही उधर भारत में देंगी। अच्छा भारत में शादी करोगे बेटियों को, ये सोचा आपने? भारत में ले गए इधर इधर शादी बराती इधर करेगी। अच्छा मेरे को ये बताओ आप क्यों ऐसे वहाँ पर क्या वजह है, क्यों इतने सारे हिंदू वहाँ से क्यों निकल रहे हैं? हिंदू पाकिस्तान नहीं बोलता है तो नहीं है, भारत है, भारत में जाता है, सब उनको सोचते है भारत में, भारत में भारत में पांचा देश आए, धर्मी मुल्क आए। अच्छा मेरे को एक चीज आप लोगों से पूछ जाननी है, आप लोग पाकिस्तान में महंगाई है इस वजह से भारत आए हो कि पाकिस्तान में जुल्म होता है इस वजह से आए हो, ये बताओ साफ साफ आंसर दो, क्या वजह से पाकिस्तान से आए हो? जुल्म में भी कभी मिलता है, जुल्म भी है, कभी मेरा सुख भी है, कभी मेरा दुख भी है, बोलिया तो भारत में जाता हूँ, ये लड़का इधर आ गया तो सब जाऊँ भारत में, कमाए खाता इधर भी कमा के खा गया, पर है पांजा देश थे। आप बताओ दीदी मेरे को, आप इधर पाकिस्तान में महंगाई है इस वजह से आए हो, आप दोनों आप हस्बैंड वाइफ हो ना, पाकिस्तान में महंगाई है इस वजह से भारत आए हो कि यहाँ पर ज्यादा कमाई होगी,
कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, इस वजह से आए हो? पाकिस्तान में महंगाई के इसलिए आए हैं, माहौल भी खराब है और मैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए दवाई भी यहाँ पे खराब है। पाकिस्तान में आप बुरका करते थे, चादर करते थे कि ऐसे खुले, ऐसे जैसे अभी बैठे हो ऐसे जाते थे? खुले नहीं रहते थे। ये जो आपने कपड़े पहने, ये आपने भारत आने के लिए बनवा सिलवाए हैं कि ये पाकिस्तान के कपड़े आपके? पाकिस्तान के रिश्तेदार ने दिए हैं। लेकिन इधर आने के लिए सिलवाए आपने ऐसा? ये वहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वहाँ पर कैसे कैसा पहनावा आप लोगों का? हमारा रवाज दूसरा है, यहाँ पे नहीं। कैसे कपड़े पहनते हैं जरा सबको, हमें तो नहीं पता ना, हम पाकिस्तान तो नहीं गए हैं कभी, जैसे लोग जो देख रहे हैं वीडियो आपकी उनको समझाओ वहाँ पर कैसा पहनावा आपका? अच्छा ऐसे चुन्नी, लाइक चुन्नी और सूट आपका यही रहता था कि ये भी अलग होता था? अलग। अलग कैसा? जैसे जैसे ये सारा लिपट के सूट आपके पूरे कवर्ड होते थे, ये कह रहे हो आप? नहीं दिखता है सब ढंग के, फिर जाते हैं। जैसे अभी आपने दीदी ये सूट सिलवाए, ये आपके अलग सिलवाए हैं कि ये पाकिस्तान के, पाकिस्तान में भी यही पहनते थे? इधर आने के सिलवाए आपने? ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपका पहनावा है, क्या ये पहनावा आपका पाकिस्तान में भी था कि ये सिर्फ अपने भारत आने के लिए सिलवाए? ये पूछ रहा हूँ मैं, भारत में आने के लिए सिलवाए आपने? ये पाकिस्तान जाओगे वापस? अगर आपका ठीक है माँ बताओ मेरे को, तो आपका काम यहाँ सेट नहीं हुआ, आप भी बताओ दीदी, आपका काम सेट नहीं हुआ, आपका नहीं रोजगार सेट बेटा, तो फिर क्या करोगे? बैठे रहेंगे बाहर, पाकिस्तान नहीं जाओगे वापस? सोच कर आयो पक्का? आपके हस्बैंड जो काम ढूंढने गए, अगर नहीं, अगर ऐसी व्यवस्था बनी, नहीं बना, नहीं जमा काम, फिर क्या करोगे? यहीं रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए? अच्छा देश विदेश के सारे हिंदू हमारी वीडियो देखते हैं, सब परेशान होते हैं, जैसे हमने भी संगठन बनाया, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि सारे हमारी बहनें आप जैसे लोगों वहाँ परेशान रहते हो। क्या बोलना चाहोगे सब लोगों को जिनको पाकिस्तान के माहौल के बारे में नहीं पता होता, भारत में नहीं पता है वहाँ वहाँ पर कैसी ज़िंदगी है महिलाओं की, खासतौर से आपकी बहनों की ज़िंदगी कैसी है, क्या बोलना चाहोगे सबको? घर में ही पढ़ाई करते थे, बाहर नहीं जा सकते थे, माहौल खराब था इसलिए बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए घर में पढ़ाई करते थे, घर में ही स्कूल थे इसमें पढ़ाई करते, लेकिन हम वहाँ घूमते फिरते नहीं थे इसलिए वहाँ का माहौल खराब था, फिर कोई साथ हो तो फिर जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। इसलिए भारत में रहोगे आप? भारत में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? जो ये आपके रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं, इन्होंने ये आपको वीडियो कॉल करते थे यहाँ पर भारत ऐसा ऐसा दिखाते थे आप लोगों को, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और इनसे बच्चों से पूछते हैं, ये मेरे को आप समझा, आप समझा भी ही रहते हो ना, ये आपके जो फैमिली मेम्बर हैं ये फोन करते थे आपको, वीडियो कॉल करके दिखाते थे आपको इंडिया कैसा है? कैसी, जैसे इन्होंने अभी जो ये ड्रेसेस पहनी है, ये ड्रेसेस पाकिस्तान में पहनती थी कि ये इन्होंने अभी भारत आने के लिए सिलवाई है? भारत आने के लिए सिलवाई। वहाँ पर बेटा तुम बताओ जरा, सबको समझाओ, आपको तो यही हो, आप यहीं पहले बड़े हो, अब लोगों को नहीं पता होता पाकिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, खासतौर से फीमेल कैसे रहती हैं, कैसे कैसा पहनावा है पाकिस्तान में सारा, सबको दिखाओ जरा, थोड़ा समझाओ। बाकी जो मुसलमान की लड़कियाँ हैं वो बुर्का पहनती हैं, जो पाकिस्तान की लड़कियाँ होती है ना जैसे वगैरह, जैसे घाघरा होता है ये औरतें पहनती हैं, घाघरा वगैरह लड़कियाँ पहनती हैं, और चुन्नी रखती है और घाघरा चुनरी रखती है, इस तरह से ऐसी चुनरी रखती है। तो हिंदू लड़कियाँ बुर्का तो नहीं पहनती ना? बाहर कोई बाहर जाते हैं ना तो ऐसे कर लेते हैं, मुँह ढक लेते हैं, और घर में रहते हैं ऐसी चुनरी रखते हैं। ठीक है, तो सूट भी अलग होते हैं क्या? नहीं, खाली खाली फेस रखते हैं? नहीं, सीट भी अलग होते हैं, सूट भी अलग होते हैं, पूरे कवर होते हैं, मतलब ऐसे आइडेंटिफाई हो जाता है क्या कि ये हिंदू लड़की है या मुसलमान लड़की, ऐसे पता लग जाता है क्या? हाँ, पता लग जाता है। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं ऐसे, जैसे पता कर सको कि हिंदू लड़की जा रही है, अगर ढक कर जा रही है तो? जो मुसलमान लड़कियाँ होती है ना वो काला बुर्का पहनती है, ठीक है, हमारी लड़कियाँ जो होती है हिंदू वो सूट पहनती है, तो इससे पता लग जाता है, हिंदू रंग पहनती है, हिंदू अलग अलग डिजाइन के रंग पहनती हैं, मुसलमान होती है वो काला पहनती है, सिर्फ ब्लैक पहनती हैं, ये फर्क। ये लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप आपको अच्छा लग रहा है कि ये सारे लोग आए, इनके बच्चे भी यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? आप बहन जी, आपके घर पे अभी इतने सारे लोग आ गए, बहुत दिक्कत आ गई तो सारे, अच्छा दिक्कत हो गई सोने में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आप लोग ही इन पाकिस्तानी लोगों की मदद करते हो, ठीक है, पहले आपकी किसी ने मदद करी होगी तब आप भारत आ गए, अब आपने इनकी मदद करी तो ये लोग यहाँ आ गए, तो आपको परेशानी तो नहीं होती है कि यार इतने सारे लोग क्यों आ गए मेरे घर पे? नहीं नहीं, सच में? सच में।
तो कैसे करते हो, मतलब कैसे मैनेज करोगे अगर अभी एक महीना आपके घर पे रहें, दो महीना रहें, इनकी कोई अवस्था नहीं बनी? निकाल रहे हैं इसके, ऐसे ये भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। दिल होना चाहिए भाई ना, वरना लोग तो भाई एक दिन भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं, सच में नहीं लोग बर्दाश्त करते आजकल के दौर में। हमारे पाकिस्तान में जितनी को महंगाई है ना, कोई भी किसी को एक टाइम का खाना नहीं खिलाता, और एक दो दिन खिला भी देना तो वो बोलते हैं किधर जाना है इसमें, कब हमारे घर से जाना है। लेकिन यार ये चीज इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हालांकि उनके हालात को इतने अच्छे नहीं थे मुझे लग रहे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें मतलब खुशी है कि ये पाकिस्तान से यहाँ पे आया, और जो है ना ये एक मंथ रहना चाहे, दो मंथ रहना चाहे, जैसे हम दाल रोटी खाएंगे ये भी खा लेंगे हमारे साथ। दिल बड़ा इंसान को होना चाहिए, खुद ही सब कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ वो भी तो करेंगे ना। हाँ, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर ऐसे ही वेला तो इंसान वैसे ही शर्म आती है इंसान को। लेकिन क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू, आप मुसलमानों को भी देखें ना, हर बंदा यहाँ से ना छोड़ना चाहता है पाकिस्तान को। कोई भी आप किसी को भी ऑफर कर दे, मुझे कर देना कोई, मैंने वीजा टिकट दे दे तो मैं आप हूँ नहीं है, मतलब कि हर बंदा उकताया हुआ है पाकिस्तान से। असल में बात ये नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बात ये है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं आपको मिलती, आप जिस कदर महंगाई है ना उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती। आप पढ़ लिख के डॉक्टर भी बन जाओ ना तो फिर भी आपकी सैलरी अभी इतनी ज्यादा नहीं होती, एक लाख भी मैं बोलती हूँ कि आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कम होता है, एक लाख रुपए का भी आजकल के दौर में ना हमारे पाकिस्तान में तो भाई कुछ भी नहीं बनता है। आपका 30,000 रुपया हमारा 1,00,000 रुपया बनता है, तो इस हिसाब से आप सोच लें कि हमारे यहाँ पे कितनी महंगाई है, और आटा क्या, चावल क्या, हर चीज को आग लगी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है ना परेशान, और हर बंदा यही कोशिश कर रहा है कि जो भी अपने पास है ना वो बेच बूझ के ना तो इस कंट्री से किसी ना किसी तरीके से बाहर चला जाए, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे रह के ना जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और पल्ले भी कुछ ना आएगा। इस वजह से लोग सोचते हैं कि जो है उसको बेच के ना बाहर चले जाओ, कम से कम लाइफ बेटर तो हो जाएगी ना, सेफ्टी भी वहां पे होती है। यहाँ पे तो भाई ऐसा होता है कि कोई आपको मार भी जाए ना तो जो कातिल होते हैं वो आप घूमते फिरते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते हैं, मतलब उनको कोई परवाह नहीं है, वो जेल में जाएंगे भी तो एक मंथ बाद पैसे दे के छूट के तो वापस बाहर फिर से घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए ना, ना कानून है ना महंगाई पे कंट्रोल है, और जो मतलब हमारे हिंदू या फिर जो क्रिश्चियन है उनके साथ ये लोग सलूक भी सही तरह से नहीं करते, तो वो लोग सोचते हैं कि क्योंकि इंसान को ना हमी एक जानवर भी होता है ना, आजादी जिसको बोलते हैं ना वो सबसे ज्यादा प्यारी होती है, आजादी जो है उससे बढ़कर मैं बोलती हूँ कि दुनिया में कोई चीज नहीं है। आजाद इंसान जो होता है ना वो उसको भूख भी बर्दाश्त करनी पड़े तो वो कर लेता है, वो कहता है कि मुझे पिंजरे में खाना भी देते जाओ तो मुझे वो नहीं पसंद, तुम तो मुझे आजादी बस दे दो। आजादी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और फ्रीडम अब उनको इंडिया में मिलेगी, वहां पे वो रहेंगे। तो अम्मी आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, इतने प्यारे लोग थे सारे। हाँ, प्यारे लोग थे, और वो अब खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे, सही बात, सकते हैं, सही बात, अपनी मर्जी से जी सकते हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं, जो यहाँ पे उनको आजादी नहीं थी वो वहाँ पे। हालांकि पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको आजादी भरपूर दी जाए, लेकिन लेकिन ये नहीं देते, इस वजह से वो लोग चले जाते हैं यहाँ से। यही थी आज वीडियो, कैसे लगे बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक।